जो भी शादी किया तो कहाँ किया, कोर्ट में किया। लेकिन अगर आप देखिए कि हमारे यहाँ पकड़ुआ विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो अगर वो पुलिस मुख्यालय में भी होता है या पुलिस के निगरानी में भी होता है तो गवाह कौन देगा, गवाह कौन देगा? अब एक बात बताइए, चोर चोरी करके जाता है थाने में, थाने में पुलिस के सामने कबूल लेता है कि हमने चोरी की, लेकिन कोर्ट में जाते ही कहता है कि पुलिस ने हमें मारा पीटा और तब हम पुलिस के डर से जाकर के चोरी के लिए हामी भरे, राइट? वहां जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? समाज को देखने के बाद में भी लड़कियां नहीं समझ रही कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब तू सुधर जाओ, अब तू अपने माँ बाप का नाक मत कटाओ। प्यार मोहब्बत करने की जरूरत क्या थी? अपने अपने पिता के घर क्यों नहीं, अपने पिता की मर्जी से शादी क्यों नहीं करती है? तुरंत प्यार हो गया, तुरंत रिलेशनशिप। कि अगर कोई चार साल, यहाँ तो प्यार चार साल में भी होता है, तो वो रिलेशनशिप नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ अब की लड़कियां क्या करती है, शादी से पहले ही रिलेशनशिप में चली आती है, जिसको लिविंग रिलेशन कहते हैं। चार साल से वो रह रही है और चार साल के बाद इसकी शादी कहाँ होती है, थाने में होती है। शिकायत करने के बाद जब ये लड़का कांस्टेबल बन जाता है, आई थिंक तो ये कांस्टेबल बन जाता है, कहीं ना कहीं इन दोनों में चार साल में कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो। ये मैं नहीं जानती कि ये चार साल रहा कि नहीं रहा, डजंट मैटर। ये कहती है तो मैं मानती हूं, लेकिन इसके कोई जब शादी हुई इस लड़की की, तो इस लड़की ने जो तमाशा किया, हो सकता है उसके वजह से वो इरिटेट हो गया और उसको पसंद नहीं कर रहा, इसने शादी दूसरी कर ली। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है, दो लड़की की जिंदगियां खराब हो रही है। हमें एक लड़की की बात नहीं कर रही, आपकी दूसरी की बात करें, इसमें लड़का सबसे बड़ा दोषी है। आपने उस महिला को देखा होगा, उस वीडियो जो लगातार वायरल हुआ, कि दूसरी लड़की की जो माँ है वो कहती है कि नहीं, कोर्ट जवाब देगा, कोर्ट कब करेगा, क्या ये किस रूप में देख रहा है, कोर्ट सब कुछ कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वकील सब बता देगा। बिल्कुल, बहुत तेज है उसकी माँ, ऐसे ही शादी तो नहीं कराया होगा, बहुत तेज है, साथ ही लेडीज है। हाँ बिल्कुल, उसके भर्सन से ही पता चलता है, उसको भी लगता है कि अब तो ये मेरा दामाद हो गया। और इसने पनिशमेंट इसको ऑलरेडी पुलिस मुख्यालय ने दे दिया, वहाँ के एसपी ने आई थिंक इसको सस्पेंड कर दिया। जो काजल है वो कह रहे कि मेरा पति है वो मतलब कि लगातार परेशान चल रही है। तो दोनों को रख लेना अब तो, ऐसे भी अब तो देखा जाए, अब हिंदू एक्ट में दो शादी नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन एक और कानून है जिसका खिलवाड़ बहुत अच्छे से हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, या तो उसको हमेशा के लिए बैन कर दीजिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया है डिसीजन, तो उस पे हमें चलना चाहिए। एक पत्नी के रहते एक पति दूसरी औरत के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकता है, ये जायज है। एक पत्नी भी पति रहते किसी और के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकती है, संबंध बना सकती है, ये भी जायज है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमारा तो नहीं है। तो इस आधार पे वो पति जो है रख सकता है, उसको रख लेना भाई, दोनों की दोनों का खर्चा उठा लो, क्या दिक्कत है। जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन मिल ही गया है तो फिर पति पत्नी में इतने हाई तौबा जो मच रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं लगातार, आप देख रहे होंगे यहाँ चार बच्चे की माँ भाग रही है। आपने देखा होगा कि फेसबुक से प्यार हो गया और बेचारा पति को पता ही नहीं है, बच्चा है, और उसको उसको छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती है, और फिर दो तीन चार दिन में उस लड़के का मन भर जाता है तो उसको भगा देता है। तो यहाँ औरत कम नहीं है क्या, औरत भी तो पोटी खाने के लिए जाती है, अपना घर को नर्क बना के जाती है। और ये तो लड़की है, इसको तो खुद समझना चाहिए कि हम अपने परिवार का नाक डुबा करके किसी लड़के पर भरोसा करके जा रहे हैं। और आज का लड़का तो ऐसा है कि भाई आज तुम हो तो कोई और है। तो काजल को क्या करना चाहिए मैम, जिस तरीके से जो ये पूरा सिचुएशन लग रहा है? देखिए मुझे लग रहा है ना कि इसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़नी चाहिए, आप सजा दिला दीजिए, लेकिन इसके साथ रहिए मत। आप उस लड़की लड़के के लिए लड़िए, ताकि समाज में एक आप रूप बनिए कि इस लड़के ने अगर किसी की जिंदगी खराब की है तो इसको सजा मिले। लेकिन इसके साथ मत रहिए, अगर आप साथ रह गई तो शायद एक अपराध को जन्म देंगी। पराठा खाते हुए पति ने पत्नी को, पराठा में घी कम था, पति ने
पत्नी का कत्ल कर दिया, सुना होगा? बिल्कुल। तो ये तो जबरदस्ती उसकी पत्नी बन के जब जाएगी तो उसमें जो एक एक ऐसा गुस्सा जिस वक्त आता है, उस वक्त हो सकता है एक मामला आए दिन आप ये देखिएगा कि किसी के और के साथ संबंध थे और पत्नी ने बहस किया, पति ने उसको मार दिया। ऐसा भी घटना है कि प्राइवेट पार्ट में जाकर मार देते हैं। बिल्कुल, ये कटिहार का घटना है, कहीं और का नहीं। कोर्ट ने कहा कि जाओ अब रखो, दोनों साथ में रहोगे। वो लेके भी गया बकायदा और रात में चक्कू प्राइवेट पार्ट में मार दिया जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर क्या हुआ, तो आप अपने घर और वो अपने घर। तो ऐसे कंडीशन में काजल कहती है कि हम कहां रहेंगे, वो आप बताइए। ये उसका कहना है कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया, हम अब जाएंगे तो जाएंगे कहां, कहां रहेंगे? अपने माँ बाप के पास रहे, वहां लड़ाई लड़ाई को मजबूती दे। साथ में रह के कहां रहिएगा, साथ में रह के मारपीट कीजिएगा, ये होता है अपराध को जन्म हो जाएगा, वो तो अपराध ही होगा। या तो आप उसको मार दीजिएगा या वो लड़का आपको मार देगा। आप साथ नहीं रह सकते। जब एक बार रिश्ता खटकता है तो शायद उस रिश्ते में गांठ लग जाती है, ऐसी गांठ लग जाती है कि आप चाह के भी उसको नहीं छुड़ा सकते। और जब गांठ लग जाती है तो आप लाख उसके घर में रहे, चूंकि आप माँ तो बनी नहीं है, आप अभी किसी बच्चे की भी माँ नहीं है। तो चार चार बच्चे की माँ भाग जाती है और चार चार बच्चे का बाप किसी और से के साथ रहने लगता है। लेकिन पत्नी की मजबूरी होती है कि भाई चुप करके रहती है ताकि उसके बच्चे का भविष्य बन जाए। काजल ने कहा कि 6 लाख रुपए दहेज भी दिए थे, ऐसा सब कुछ था। कुछ है एविडेंस होगा ना उसके पास? हमने पूछा जो आपने दिया था तो कह रही कि सब मतलब कैश में दिया गया था। ऐसा इतना बेवकूफ कौन हो सकता है जो कैश में देगा? प्यार मोहब्बत जब होता है ना तो कैश होता है, गले का हार दिया जाता है। जब तकरार होता है ना तो एक दूसरे पे पत्थर ही फेंका जाता है। अब कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ लड़का गलत है। अगर दोनों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, मैं एक की बात नहीं करती, दोनों की बात करती। तो काजल को इसके लिए जो है पागल होने की जरूरत नहीं है, इसके बिल्कुल नहीं होए। बिल्कुल नहीं, आप आगे बढ़िए। पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी, वो ट्यूशन भी पढ़ाती है, स्कूल भी पढ़ाती है, खुद बोलती है मैं बच्चे को पढ़ा रहा। बताइए जब पढ़ी लिखी लड़की है तो ऐसे छुछुंदर लड़के के पीछे में क्यों पड़ी हो भाई? आगे बढ़ो, आप भी कांस्टेबल बन सकती हैं। बिहार पुलिस में इतनी बहालियां हो रही हैं, उसका फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। 4 लड़के और पूछेंगे आपको। बबीता जी, उसको अनुकंपा में नौकरी मिला है, वो कांस्टेबल को, ऐसे नहीं उन्होंने एग्जाम दे के निकाला तो पिताजी चले गए नौकरी में। अब देखिए किसी किसी को किस्मत में आ जाता है, वो शायद किस्मत का धनी निकला, उसके पिताजी के जगह उसको नौकरी मिल गई। और रही बात लड़की की, तो लड़कियों की सीट बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती है और आज के डेट में कांस्टेबल बिहार में जो भी लड़कियां हैं वो अपने आप को एक मजबूत और कहीं ना कहीं अपने आप के पैर पे, खुद के पैर पे खड़ी रहती है। और ऐसी लड़कियों के लिए तो लड़के खुद लाइन पे खड़े रहते हैं।